तो मार्वल ने रात के 2 बजे 2 ट्रेलर्स ड्रॉप किए, जिसमें D23 एक्सपो चल रहा है ब्राज़ील में, जिनको नहीं पता है तो वहाँ पे 2 ट्रेलर्स ड्रॉप किए हैं, जिसमें से पहला ये है कि जो थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर है वो लॉन्च किया है। क्या ही कूल लग रहा है, बाकी की एंट्री जो थी भाई साहब बवाल। बट रेड गार्डियन, यलिना, और उसके बाद हमें क्या कहते हैं ये सेंट्री भी देखने को मिलता है। सेंट्री की जगह बॉब का रोल कर रहा है वो। उसके बाद से कैप्टन अमेरिका जी अपना दूसरा वाला फेक वाला दो सेकेंड वाला घोस्ट भी हमें देखने को मिलता है, और काफ़ी तगड़े शॉट्स दिखाए गए हैं। मतलब फुल एक्शन पैक मूवी होने वाली है, ये देखने को मिल रहा है हमें। वैलेंटिना भी है इसमें, विच इज लाइक निक फ्यूरी, नहीं निक फ्यूरी बैड गाइज के लिए, मतलब बैड नहीं एंटी हीरोज के लिए वो है, एंड जिनका मोरल्स वगैरह नहीं होता है, जिनको लाइफ में कुछ चाहिए होता है, एक प्रोसेस एक वे चाहिए होता है जिंदगी में, और वो है इसमें। बाकी अगर मैं ऐसे बात करूँ तो भाई साहब ट्रेलर काफ़ी तगड़ा लग रहा है। ट्रेलर में सीक्वेंसेस में हमें बताया जाता है कि ये सारे मिल करके एक टीम फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो सब अलग अलग होते हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एक साथ आ जाते हैं सब एक ही जगह पे। पहले कॉन्फ्लिक्ट होता है एक दूसरे के बीच में, बट कुछ ऐसा होगा मूवी में जो कि हमें दिखाया जाएगा, जो कि बताया जाएगा कि अच्छा इस वजह से ये लोग सामने आए हैं, साथ में आए हैं, और काफ़ी कुल मतलब मैं मज़ा आ गया मुझे, मैं इंजॉय किया मैंने थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर को, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे चाहिए बकैती, बकवास, पागलपन, एक्शन, वो मुझे देखने को मिल सकता है थंडरबोल्ट्स पे, विच इज कूल। मतलब वो जो ऑफरिंग है ना मार्वल, एक एक टेक ले रहा है नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करके, वो अच्छी चीज़ है। हाँ, स्टिल वो बीच में लैग किया था, बट अभी वो चीज़ आई थिंक कि वो फेस पकड़ रहा है, वो मार्वल ने अपना ऑडियंस को पकड़ लिया है। एक और नई चीज़ उन्होंने स्टार्ट की है, और वो नई चीज़ ये है कि वो अब ऑडियंस से पूछ रहे हैं। D23 में भी एक क्वेश्चन रखा गया था कि एगेथा ऑल अलोंग में जा करके, भाई साहब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सेम कैरेक्टर्स चाहिए या और ज़्यादा कैरेक्टर्स चाहते हो, तुम थोड़ी सी स्टोरी लाइन में चेंजेस चाहते हो, क्या चाहते हो, वो पूरे रिव्यूज मांगे गए थे, एंड फिर उसके बेस पे वो लोग काम करने वाले हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बट वो पहली बार ट्राई हो रहा है, तो देखते हैं कि कैसा क्या होता है, क्योंकि फिर सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड देखते हैं कि कैसा रहता है। बट बाकी अगर इस ट्रेलर की बात करूँ तो काफ़ी कूल लग रहा है सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके। सेंट्री को सेंट्री फॉर्म में अभी भी नहीं दिखाया गया है, बट विच इज़ अ ग्रेट थिंग। रोहित शेट्टी को थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारे पास बिग गन्स हैं तो उसको छुपा के रखो, उसको एंड मोमेंट पे मतलब डायरेक्ट मूवी में ही रिलीज किया करो, विच गिव्स अ ग्रेटर इम्पैक्ट देन इमेजिन, क्योंकि वो हॉल में पहली बार एक्सपीरियंस करने का जो माहौल है वही अलग होता है। तो भाई मैं ट्रेलर से पूरा फुल सेटिस्फाइड हूँ, मुझे मज़ा आ गया ट्रेलर देख करके। बाकी तुम अपना कमेंट बताना कि तुम्हें क्या लगता है, कैसा होना चाहिए ट्रेलर, क्या तुम्हें क्या उम्मीदें हैं तुम्हें ट्रेलर को लेकर के। वेट नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक तुम अपना और अपनों का ध्यान रखना, मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, और ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।